फ्रेंड्स, आज आपके अपने इस चैनल में आज हम बात करेंगे श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो आज हम देखेंगे इस शेयर में इसमें हमें क्या करना चाहिए। अभी हमारे पास इस शेयर को होल्ड करें, सेल करें या बाय करें, क्या करना चाहिए वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्राइस है वो 12.15 रुपये पर जो क्लोज हुआ था 20 जुलाई को। और जो कि इसमें अगर हम देखें तो कंपनी में एक महीने से करीब जो है लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट जो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में कंपनी ने 62% का रिटर्न दिया है। और हम 1 साल की देखें तो कंपनी ने 52% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके 5 साल का इसका ग्राफ देखें तो कंपनी का जो ग्राफ था, अगर हम 2017 में देखें तो 119 रुपये का प्राइस था, और अगर हम 2019 में देखें तो 35 रुपये के करीब इसका प्राइस था। तो यहाँ से जो है इसका प्राइस जो है डाउन होता चला आया। लेकिन अब फिर कंपनी ने जो अपना इंक्रीजमेंट कराया, लेकिन फिर एक महीने से अगर हम देखें तो कंपनी में जो है डाउनफॉल चल रहा है बहुत ही। तो मैं आपको बता दूँ ये डाउनफॉल किस रीज़न से चल रहा है। तो सबसे पहला कंपनी के ऊपर एक केस है, यानी कंपनी जो अपना लोन, जो लोन होता है प्रिंसिपल अमाउंट, वो अभी रिपे नहीं कर पाई है। उसकी जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड, यानी कि पोस्टपोन होती जा रही है। करीबन 6 महीने के अंदर कंपनी को जो है लोन का अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, वो पे करनी है। दूसरा चीज़ ये है कंपनी में, इसी की वजह से जो लोन है इसमें इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा कम कर दिया है। जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उस लोन और रिपेमेंट की नीड्स को देखकर। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जिस दिन कंपनी ने अपना लोन का अमाउंट पे कर दिया उस दिन इस कंपनी का जो प्राइस है वो काफ़ी बड़े नंबर पर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। उसके पीछे का रीज़न इसका बिज़नेस मॉडल अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अगर हम इसके बिज़नेस मॉडल की तरफ चलते हैं तो इसमें कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, फाइनेंस करती है सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़, जो एसेट्स हैं वो देती है, लीजिंग करती है, यानी कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी के फ़ोटो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, और कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी, हमारी जर्नी ओवर 3 डिकेड्स हैज़ मेड अप डायनेमिक एंड मैच्योर एक्सपीरियंस इन द सेक्टर हैज़ बीन एक्सेप्शनल मिक्स ऑफ मूवमेंट, यानी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक एक्सपीरियंस कंपनी है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके यहाँ पे आप चेयरमैन देख सकते हैं, वो सारा कुछ देख सकते हैं। 1989 में कंपनी जो है इस्टेब्लिश हुई थी और अब चल रही है 2021। और अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर एंड पार्टनर, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप CEO देख सकते हैं पैट्रिक, और अगर हम देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोनो वैन चेयरमैन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं JCB इंडिया के जो पार्टनर हैं CEO हैं, ये इनके पार्टनर हैं, कस्टमर हैं। तो कंपनी का अगर हम इसके बिज़नेस मॉडल की तरफ चलें तो जैसे कि अगर हम आते हैं एसेट फाइनेंसिंग, लीजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड एडवाइजरी, तो आपको ये तो पता ही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो सबसे बड़ी चीज़। और इसके अगर हम कंपनी की बात करें तो ये सारी इनकी कंपनीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सारा बहुत ही बढ़िया बात है। और इसके हम कंपनी देखें तो श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, बंगाल श्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, श्री कैपिटल मार्केट, श्री म्यूचुअल फंड एसेट्स मैनेजमेंट, श्री म्यूचुअल फंड ट्रस्ट एंड श्री इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी इनकी जो है कंपनीज़ हैं श्री ग्रुप की। और अगर हम कंपनी का ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग एसेट फाइनेंस एंड लीजिंग इंस्टीट्यूशन, कंसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम बात करें इसके बारे में, इसकी जर्नी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसकी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और अगर हम देखें, और मैं आपको बता दूं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका जो है इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने का, लेकिन वही रीज़न है कि कंपनी जो है लोन और रिपे प्रिंसिपल अमाउंट अगर रिपे कर देती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको नंबर पर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी ऐसा रिपेमेंट कर देगी, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर रही है, इसका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आगे काफ़ी ज़्यादा इसका ग्रो करेगा। और ये मौका जो है उन लोगों के लिए इस टाइम जो इसमें लोअर सर्किट लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो इसकी इंटरेंसिक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, यानी कि अपनी इसका जो प्राइस है इंटरेंसिक वैल्यू इसकी जो है लो है, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है जो इसमें एंटर करना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी इसमें एंटर कर चुके हैं, जिसके पास ऑलरेडी शेयर है, तो मैं उससे यही कहूँगा कि आप जो इस शेयर को होल्ड करके रखें, पेशेंस रखें,
बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा रिटर्न बहुत ही जल्दी इसमें अपर सर्किट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कंपनी की तरफ से अभी जो कोई लेटेस्ट न्यूज़ जो आई नहीं है, अगर जैसे ही इस कंपनी की तरफ से कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो मैं आपको अपने चैनल पर जो अपलोड कर दूँगा, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दूँगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कंपनी की तरफ से अभी कोई लेटेस्ट अपडेट आई नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी बहुत ही जल्दी जो अपना न्यूज़ जो है आपको लेटेस्ट अपडेट बहुत ही जल्दी कर देगी और मैं आपको अपने चैनल पर बहुत ही जल्दी अपलोड करके बता दूंगा। अभी तक तो कंपनी आई नहीं बस, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा आप पेशेंस रखें, क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं होंगे तब तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूँगा कि काफ़ी बढ़िया कंपनी है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको रिटर्न देकर जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। 12 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये गुड टाइम है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, बस यही है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा खासा रिटर्न होता है वो आप शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में ही ले सकते हैं। मैं आपको ये लिख कर देता हूँ कि जो अच्छा और फंडामेंटल्स कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे इसकी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें।